अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन के बारे में बताऊंगा और हम जनरेशन की जो टर्म है उसके बारे में भी जानेंगे और जितनी भी डिफरेंट जनरेशन हैं कंप्यूटर की मैं उनको बारी बारी आपको बताऊंगा और इन सब जनरेशन के जो फीचर्स हैं उनमें क्या यूज़ किया गया है, ठीक है ना, क्या क्या उनमें वेरिएशंस आई हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में बारी बारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें स्टूडेंट्स, बिना कोई वक्त ज़ाय किए हुए अपना लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज जनरेशन। जनरेशन की जो टर्म है ये क्यों है, ये क्या है? तो जनरेशन की जो टर्म यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक ख़ास दौरानिए यानी एक ख़ास ड्यूरेशन के दौरान जो कंप्यूटर आए गए हैं उनके फीचर्स, उनकी एडवांसमेंट, उनकी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए जो तब्दीलियां की गई हैं या की जाती थीं उनको जनरेशन का नाम दिया गया है, ठीक है ना। उनको क्या नाम दिया गया है? जनरेशन्स का। और जो पहले जो यानी कि वेरिएशंस की जाती थी वो हार्डवेयर के लिहाज से की जाती थी, अब तो दोनों यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिहाज से वेरिएशंस होती हैं जिनको हम जनरेशन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो जनरेशन्स आ चुकी हैं वो 5 तक जनरेशन्स आ चुकी हैं कंप्यूटर की। तो चलें बारी बारी हम इसको जानते हैं कि जनरेशन्स कितनी आ चुकी हैं और उनके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी और ड्यूरेशन 1940 टू 1956 तक जो कंप्यूटर आए हैं, ठीक है ना, उनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब जो यूज की गई है, मैं आपको बता देता हूं कि वैक्यूम ट्यूब क्या थी। स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब जो थी वो एक ट्यूब नुमा थी, ठीक है ना, तो जो कंप्यूटर में यूज की गई थी तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव थी। किस लिहाज से? नंबर वन, मटेरियल की वजह से, और नंबर टू, स्किल की वजह से। क्यों? एक मटेरियल तो इनका बहुत महंगा था यानी कॉस्टली था और इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हाई स्किल्स रिक्वायर्ड होती थी। इनका एक और ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हॉट हो जाती थी यानी, ठीक है ना, और ज़्यादा हॉट होने की वजह से ये जल भी जाती थी। तो इनकी डिफरेंट जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जानने के लिए, ठीक है ना, वो एनिएक और यूनिवैक ये हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है जो है वो पंच कार्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना। पंच कार्ड ये थे कि आपने बाजू का देखा होगा कि ये स्टेनोटाइपिस्ट या जो टाइपिस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो टाइप करते करते उनका पेज जब एक लाइन में ख़त्म होता है तो फिर दोबारा से वो पेज को आगे धकेलते हैं या पीछे खींचते हैं ताकि वो फिर स्टार्ट से टाइप कर सकें। तो इस किस्म का जो कंसेप्ट है वो पंच कार्ड का है, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज यूज़ की गई है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स? बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में, जिसकी बेस जो होती है वो 2 होती है, ठीक है ना, वो इसमें यूज़ की गई है। अब मैं इनके एब्रिविएशन आपको बताता जाऊँ कि एनिएक और यूनिवैक ये क्या थे। ये एनिएक का एब्रिविएशन जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है और यूनिवैक वो हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये डिफरेंट 2 एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब स्टूडेंट, मैं आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ फर्स्ट जनरेशन के। तो इसके कुछ फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इनका साइज बहुत बड़ा था, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते थे। अच्छा, नंबर 3 पे कि ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स ये बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाते थे और
हीट होने की वजह से ये जलने लग जाते थे, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही कम रिलायबल थे, ठीक है ना। तो ये बहुत महंगे भी थे, ठीक है ना, इनकी स्पीड भी बहुत स्लो थी। इनमें क्या यूज़ किया गया, इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड यूज़ किए जाते थे, ठीक है ना, और इनको बरकरार रखना यानी इनको यानी कि मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। और ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स ये हीट हो जाते थे, तो इनके लिए एयर कंडीशन का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ फीचर्स। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ। स्टूडेंट, जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो उसमें इसमें जो थी बेल लेबोरेटरीज थी, उन्होंने ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था इन 1947 में। किसमें? 1947 में। जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे उनमें जॉन बर्डेन, विलियम ब्रेटियन एंड विलियम शॉकली, ये तीन साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ट्रांजिस्टर को डेवलप किया। अब जानते हैं कि अब जो इनका ड्यूरेशन रहा है सेकंड जनरेशन का, वो 1963 तक रहा है। और इस ड्यूरेशन के दौरान जो कंप्यूटर आए हैं उनको सेकंड जनरेशन का नाम दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजिस्टर के बारे में। तो सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, द साइज ऑफ जो कंप्यूटर का जो साइज था उसको बहुत कम किया गया। कैसे कम किया गया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसमें ट्रांजिस्टर यानी कि उसमें ट्रांजिस्टर डाली गई, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के बाद ट्रांजिस्टर डाले गए। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि अब इसका जो था, हम कंपैरिजन करें तो जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन से उनका साइज बहुत छोटा था, ठीक है ना। तो इसमें जो था फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटेशन टाइम उनका बहुत ज़्यादा था। अब सेकंड जनरेशन जो थी उनमें कम जो था कंप्यूटेशन का वो बहुत कम हो गया था। अब हम ट्रांजिस्टर यानी उसकी कुछ यानी कि उसमें यूज़ किए गए हैं। अब फर्स्ट जनरेशन की हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, सॉरी सेकंड जनरेशन जो थे कंप्यूटर उनकी हम कुछ एग्जांपल आपको बता दूं। इनके जो नाम है जैसे IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज एंड CDC 164 ETC। अब बारी बारी मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिस्टर के जो एडवांटेज है। स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन में क्या किया गया कि एक वैक्यूम ट्यूब जो थी वो 200 ट्रांजिस्टर के बराबर थी, यानी कि 200 ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 1 वैक्यूम ट्यूब, यानी एक वैक्यूम ट्यूब के बराबर 200 ट्रांजिस्टर यूज किए गए, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम से थोड़ा सस्ते थे, यानी कि बहुत कम जो थे एक्सपेंसिव थे, ठीक है ना। अब जो ट्रांजिस्टर थे वो वैक्यूम से 40 टाइम्स ज़्यादा क्या थे, फास्टर थे, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर, अब वैक्यूम ट्यूब तो क्या करने थे, बर्न यानी जलने लग जाते थे, अब ट्रांजिस्टर जलते नहीं थे लाइक वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये तो थे ट्रांजिस्टर के कुछ फीचर्स, ठीक है ना, क्या कि 200 ट्रांजिस्टर एक बराबर थे एक वैक्यूम ट्यूब के, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर कम एक्सपेंसिव थे, ठीक है ना, ये एक ट्रांजिस्टर 40 टाइम्स ज़्यादा फास्टर थे वैक्यूम ट्यूब से, और ये ट्रांजिस्टर जो थे वैक्यूम ट्यूब की तरह जलते भी नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड जनरेशन की कुछ फीचर्स के बारे में। अब सेकंड जनरेशन क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन इनका साइज बहुत कम हो गया, और ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम करने लग गए थे, इनकी स्पीड भी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ गई थी। इनमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी और एज अ इंटरनल स्टोरेज यूज होने लग गई। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो इजाफा किया गया वो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स भी यूज़ किए गए, ठीक है ना। अब इनमें क्या किया गया, अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी बाइनरी कोडेड कंसेप्ट यूज़ किया गया था, यानी बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की गई। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या किया गया, उसमें हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई। अब लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज
और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि यूज़ की गई, जैसे कि अब हाई लेवल के एग्जांपल देखें तो कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स, हमने जान लिया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, अब हम जानते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड जनरेशन थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए, शॉर्ट एब्रीवेशन जिसका आईसी है, यानी कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज किए गए, आईसी। अब इनका जो ड्यूरेशन रहा है वो 1963 टू 1971 के ड्यूरेशन के दौरान जो कंप्यूटर इन्वेंट हुए या जो कंप्यूटर आए उनको थर्ड जनरेशन का नाम दिया गया है। अब थर्ड जनरेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए हैं, और इसको मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसने डेवलप किए थे। स्टूडेंट, जैक केल्बी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958, ठीक है ना। तो 1958 यानी 1958 में ये आईसी का जो कंसेप्ट था, जैक केल्बी जो के आईबीएम कंपनी से रिलेटेड थे या वहां काम करते थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर की फील्ड में बहुत बड़ी यानी कि इन्वेंशन थी। अच्छा, अब जो फर्स्ट आईसी इन्वेंट किया गया वो 1961 में किया गया, 61 में किया गया, यानी कि उसके जो इन्वेंशन जो की गई है वो 1961 में उसे इन्वेंट भी किया गया और उसको भी इजाद भी किया गया है, ठीक है ना, और यूज भी किया गया, सॉरी। अब जो आईसी का साइज था वो कितना है, वो 1/4 square inch, ठीक है ना, 1/4 square inch। अब एक जो सिंगल आईसी था उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या सर्किट्स, ठीक है ना। अब देखें, 200 ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 1 vacuum। अब थाउजेंड्स ऑफ जो ट्रांजिस्टर है वो एक आईसी में आ रहे हैं, अब देखिए कितनी बड़ी इन्वेंशन है। अब साइज भी आप देख सकते हैं कितना कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, कंप्यूटर के साइज भी बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, और कंप्यूटर की स्पीड भी तेज हो गई, कंप्यूटर बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो गए और कंप्यूटर बहुत सस्ते होने लग गए, यानी कि लेस एक्सपेंसिव, अब इसे कोई भी खरीद सकता था। अब थर्ड जनरेशन की जो हम कुछ बारे में भी जानते हैं, सॉरी, इन कंपैरिजन टू सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हो गया था, स्मॉलर हो गया था। अब थर्ड जनरेशन जो थी उनका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत बढ़ गया था, ठीक है ना। अब ये सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लिए हाथ से बहुत ज़्यादा कम हीट होते थे, ठीक है ना, इनके लिए कोई एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इनकी मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट थी वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के लिहाज से बहुत कम थी। अब ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कमर्शियल यूज के लिए बहुत आसान थे। अब हम कंप्यूटर्स जो थर्ड जनरेशन के जो एग्जांपल हैं उनके बारे में बताता हूँ कि IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक 9000 जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको थर्ड जनरेशन के कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि ये जो इन्वेंशन की गई आईसी, इससे क्या फर्क पड़ा और इसमें क्या इजादात, यानी कि इसमें इसने जो तहलका मचाया है वो आपको बताता हूँ। जो थर्ड जनरेशन का पहला फीचर्स है स्टूडेंट्स, एक तो ये हुआ कि प्रीवियस जो दो जनरेशन आई थी उनकी निस्बत थर्ड जनरेशन का जो साइज था वो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब ये प्रीवियस दो जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल हो गया, ठीक है, ये एनर्जी भी बहुत कम यूज़ करने लगे और ये लेस एक्सपेंसिव थे, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। और सेकंड जनरेशन की तरह इसमें भी मैग्नेटिक कोर मेमोरी एज अ इंटरनल स्टोरेज यूज़ होने लग गई। अब ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे और इनको चलाना, यूज करना, ऑपरेट करना भी बहुत इजी था, ठीक है ना।
तो इनकी जो कॉस्ट थी यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बाकी पिछली दो जनरेशन से बहुत ज़्यादा थी और इनका फेलियर के जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम चौथी जनरेशन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, जो चौथी जनरेशन थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए, ठीक है ना। अब 1972 से लेकर 2010 तक जो ड्यूरेशन रहा है उसमें जो कंप्यूटर आए हैं उनको फोर्थ जनरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। जो फोर्थ जनरेशन है उसमें डेवलप किए गए, जो डेवलप किए थे हैं उसमें यूज किए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन जो थी वो बहुत कम साइज के हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना, उनका साइज बहुत कम हो गया। अब जो मैं आपको बताता हूं ये कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर जो था उसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसी आ जाते हैं। क्या अब देखें, वैक्यूम ट्यूब थी बहुत बड़ी, ठीक है ना, उनका साइज क्या था, बहुत बड़ा था। अब उसके सेकंड जनरेशन में क्या आई, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो यूज किए गए। अब थाउजेंड 200 ट्रांजिस्टर बराबर हो रही थी वन वैक्यूम ट्यूब के। अब थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होने लगे यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो थे हमारे ट्रांजिस्टर वो आ रहे थे, इनके साइज बहुत कम हो रहा था। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हो रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ आईसी एक माइक्रो प्रोसेसर में आ रहे हैं। तो देखें कितनी बड़ी तब्दीली है और कितना बड़ा यानी कि उसका ये इन्वेंशन हुई और कितना साइज कम कर दिया है, ठीक है ना, और कितनी बड़ी इन्वेंशन कर दी है। तो टेड हॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया इन 1971 में, ठीक है ना, और ये इंटेल कंपनी से ताल्लुक रखते थे, ठीक है ना। ये 4004 इंटेल 4004, ठीक है ना, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना जाता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिहाज से। स्टूडेंट, जो माइक्रो प्रोसेसर थे ये बहुत ही बहुत यानी कि बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप एग्जांपल देख लें तो माइक्रोवेव ओवंस हैं, ठीक है ना, कार्स वगैरह और रिस्ट वॉचेस जो हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। अब फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर हैं उनकी हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हमारे पास पीसी है, एचपी के हैं, डिफरेंट हमारे पास पीसी आ गए हैं, ठीक है ना। इसमें आईबीएम के पीसी और एप्पल मैकिंटोश वगैरह, ये सारी मैक वगैरह के ये सारे जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं सारे डेस्कटॉप वर्जन ही हमारे यहाँ है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब हम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके फीचर्स के बारे में। अब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका साइज प्रीवियस थ्री जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत कम हो गया था। इनमें सेमी कंडक्टर मेमोरी एज इंटरनल स्टोरेज यूज की जाती थी। अब इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत हाई है, ठीक है ना। तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो प्रीवियस थ्री जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ज़्यादा सस्ते हैं और हाई रिलायबल हैं, तो ठीक है ना। तो द कॉस्ट ऑफ जो इनके कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, ये हाईली रिलायबल है, ये बहुत कम यानी कि एनर्जी को सर्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि पावरफुल हैं और बाकी जो पिछली जनरेशन थी उनसे रिलायबल भी हैं, ठीक है ना। इनको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है यानी इनको कोई भी यूज कर सकता है। तो स्टूडेंट, जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें ये किसी भी किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज जो है उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो थे हमारे फोर्थ जनरेशन के फीचर्स वगैरह और उनमें हमने देखा कि क्या क्या ईजादात होती इन्वेंशन हुई। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आर्टिफिशियल बेस्ड हैं यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस किया गया है। अब 2000 इनका ड्यूरेशन जो है वो 2010 से अबव बियॉन्ड यानी कि जा रहा है। अब देखें कहाँ तक इन्वेंशन होती है इसकी। अब सबसे पहले जो कंप्यूटर की जनरेशन थी, ठीक है ना, उनको कैटेगराइज किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, वो हार्डवेयर के लिहाज से किया जाता था सिर्फ और सिर्फ।
लेकिन अब जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के लिहाज से इसको यानी कि कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। अब फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हाईली, उनमें हाई कैपेबिलिटी है प्रोसेसिंग की यानी कि कैलकुलेशंस की, और इनमें बहुत ज़्यादा यानी कि लार्ज मेमोरी है, कैपेसिटी, ठीक है ना। तो अभी तक ये डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो है ना कोई कंप्यूटर मेरे ख्याल में अभी तक आया नहीं है, लेकिन टेस्टिंग हो रही है, उम्मीद है कि ये बहुत जल्द मार्केट में आने लग जाएंगे। अब इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, सच एज वॉइस रिकग्निशन, ठीक है ना। साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, वो साइंटिस्ट जो है वो जो ह्यूमन का माइंड है, जिस तरह वो काम कर रहा है, वो इस तरह ट्राई कर रहे हैं कि वो ह्यूमन के माइंड की तरह चले, लेकिन ये हो तो नहीं सकता, लेकिन दे आर ट्राइंग, ठीक है ना। अब इस कंप्यूटर को डेवलप करने का जो गोल था वो दैट रिस्पॉन्ड्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है ना, इस तरह कंप्यूटर को एबिलिटी यानी कि कंप्यूटर के माइंड को इस तरह बनाया जा रहा है कि वे हर किस्म के ये काम कर सके। अब फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज जो यूज़ की जा रही हैं, ठीक है ना। उसमें क्वांटम कंप्यूटेशंस, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब ये टेक्नोलॉजी जो है फिफ्थ जनरेशन की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो हमने जाना डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमने जाना कि मतलब एक जनरेशन जो है उस टर्म उसका क्या मतलब है, और हमने देखा कि अब तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं, हमने बारी बारी उनको डिस्कस किया, और फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड लास्ट में हमने फिफ्थ जनरेशन को देखा, इनके फीचर्स के बारे में भी जाना। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अब तक हमने जो जाना, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए